ये सही रहेगा। हाँ हाँ अच्छा रहेगा। जी जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी ड्यूटी करो। रोड को ब्लॉक नहीं किया है, परमिशन का क्या हुआ, ली या नहीं? ठीक है, अभी जाकर आता हूँ मैं। सनम, मैंने क्या कहा था, तुम्हें हर चीज को देखना है, तुम्हारी जिम्मेदारी है ये। लाइट्स चेक किए क्या? हर बात की तरफ ध्यान रखो, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। लाइट सही नहीं है, वहाँ क्यों रखे हैं? हाँ ठीक है, मैं सही जगह पर रख देती हूँ, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। मिस्टर जॉन, लड़कियों का क्या हुआ? वो एक घंटे में पहुँच जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। हम यहाँ क्या करने वाले हैं? गाइस, लाइट्स की जगह ठीक नहीं है, सरकुक का उसे देखना चाहिए ना। सही नहीं है, दिखाओ। लाइट्स गलत जगह पर रखे हैं गाइस, गलत स्पॉट पे रखे हैं लाइट्स। हेलो मिस्टर जॉन। मिसेस मैवकीवे, मिस्टर नेहा, स्वागत है आपका। यू आर वेलकम। खाने के लिए थैंक यू, आपके हाथों में ऐसा ही टेस्ट बना रहा है। थैंक यू। सनम, सनम इधर आओ जरा, तुमसे बात करनी है, खाने के बारे में बात करनी है। मॉम, मैं यहाँ लाइट्स की जगह अरेंज कर रही हूँ, अगर नहीं की तो बाद में सब मुश्किल हो जाएगा। सनम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिस्टर जॉन, मैं लाइट्स को अरेंज कर रही हूँ। ओके, ज्यादा बात बढ़ाओ मत, मैं देख लूंगा, तुम अपनी माँ से जाकर बात करो। लेकिन मिस्टर जॉन। सनम, मिस्टर जॉन। अरे तुम जाओ, मैंने कहा मैं देख लूंगा, जाओ जाओ, जल्दी जाओ, जाओ, मैं देख लूंगा। अगर लाइट्स गिरे ना तो देख लूंगा। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। अब मुझे जल्दी से बताओ, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मॉम, डैड, अयहान ने बताया था ना कि मुझे एडवांस पेमेंट मिली थी। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, हेल्पर को शुरू शुरू में इतनी बड़ी सैलरी कहाँ से मिलती है बताओ। बेटा, तुम जानती हो ना कि तुम हमसे खुलकर बात कर सकती हो। मुझे नहीं पता उन्होंने मुझे क्यों दिए, शायद मेरी बहन वहाँ सालों से काम करती है इसीलिए। सनम, मुझे सच्चाई बताओ, ऐसा ना हो कि मैं गुस्से में कुछ कर बैठूं। तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है, सॉरी, लेकिन मैं भी ऐसा ही। इतनी जबरदस्ती क्यों कर रही है? डैड ने उस शॉप को 40 साल दिए है और वो उसे खो देंगे। मैं डर गई थी, इसीलिए मैंने चांस लिया, मैंने उनसे कहा और उन्होंने दे दिया। ठीक है, गुड, तुम्हें ये बात बतानी चाहिए थी ना, ये बात अपनी माँ को बताकर उसका ओपिनियन लेना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकती। सनम, सनम यहाँ होगी प्लीज, एक बार जरा यहाँ की लाइट्स चेक कर लो। आपकी वजह से वो लोग मुझ पर चिल्लाएंगे मॉम, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तुम तो यही कहोगी, पर तुम्हें पता है कि मैं दिन भर से अपसेट थी। सनम, ये क्या बात हुई, किस तरह का बॉस है, इस तरह तुमसे कैसे बात कर सकते? सारे बॉस ऐसे ही होते हैं, आप नहीं जानते मैं कितना काम करती हूँ ऑफिस में। उसे देखो तो कितना स्वीट लगता है ये। बहुत अच्छे, हम इस रास्ते को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या हम इसे डबल कर सकते हैं? हाँ, वो वाली। इन फ्लावर्स को वहाँ पर लगा दो, एटमॉस्फेयर ज्यादा सुहाना होगा, क्या हम कर सकते हैं? चलो कोई नहीं, ये लोग तो हमारे दोस्त ही हैं। ओ वेलकम मैडम, वेलकम, आप सबका स्वागत है यहाँ पर। मैंने देखा आपकी बहुत बड़ी टीम है, जरूर आप यहाँ खाली हाथ तो नहीं आई होंगी। मिस्टर, हम लोग यहाँ बहुत बिजी हैं, ये सब क्या है, हम शूटिंग कर रहे हैं। अरे मैडम, उसी सिलसिले में ही तो हम आए हैं। एक्सक्यूज मी, क्या मैं जान सकती हूँ कौन है आप? वैसे देखा जाए तो मैं इस मोहल्ले का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, और आप जानती हैं कि यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे हैं, गरीब हैं, बहुत शांत किस्म के लोग हैं। उन्होंने आपस में शूटिंग के इशू के बारे में चर्चा की और एक सोल्यूशन पर पहुँचे, उन्होंने मुझसे मदद मांगी और बस इसीलिए मैं यहाँ पर आ पहुँचा हूँ। किस बारे में डिस्कस किया है उन्होंने, किस बारे में बताएंगे? मैं आपको समझाता हूँ, दरअसल बात यह है दीदी। दीदी लगती हूँ मैं? हाँ, क्या ये दीदी वाला फिगर है? जरा देखो मेरी तरफ, मेरे जैसी खूबसूरत औरत तुमने आज से पहले कभी देखी हुई होगी? हाँ, मुझसे ठीक से बात करो, मैं तुम्हारी कोई दीदी नहीं हूँ। पहले मुझसे बात करने का लिहाज सीखो, फिर आकर यहाँ पर मुझसे किसी भी बारे में बात करना। अब जाओ यहाँ से, समझ गए? बाप रे, ये क्या हो गया, इसे इतना गुस्सा क्यों आ गया, लगता है थोड़ा संभल कर बात करनी होगी। सुनो, ये कोई प्लेग्राउंड नहीं है कि यहाँ कोई बच्चे आए और फुटबॉल खेलने लगे। जाओ जाओ यहाँ से, निकलो अब यहाँ से, जाओ, हटो हटो। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, ये कोई प्लेग्राउंड नहीं है, इसीलिए दीदी आप भी यहाँ नहीं आ सकती, समझ रही है ना? ये मोहल्ला हमारा है, यहाँ हर एक चीज का दाम चुकाना पड़ता है, आप तो समझती ही होंगी। हमें पैसे दे दीजिए, फिर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अरे कोई ज्यादा बड़ी कीमत नहीं है, अभी आपको सब समझाता हूँ। अच्छा? $16, यूरोस या टर्किश लीरस,
हर घर के बस आपको 1000 लीरस देने होंगे और हर दुकान के 2000 लीरस लगेंगे। बस पैकेज काम पे लगी है। क्या 1000 लीरस? 2000 लीरस? कभी जिंदगी में तुमने इतने पैसे देखे भी है? मैं यहाँ बिना बजट की शूट कर रही हूँ, आखिर हो कौन तुम? और वैसे भी जेजे ने इंस्पेक्शन किया है और हमसे किसी ने पैसे नहीं मांगे, तो प्लीज अब तुम जा सकते हो यहाँ से। कौन है ये जेजे? और रुकिए, सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए। यहाँ ये अभी मैंने जो आपको बताया वो अपडेटेड लिस्ट है। अगर यहाँ शूटिंग करनी है तो पैसे भरने पड़ेंगे, वरना मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, अभी मुझे एक काम है, बाद में आकर इस बारे में डिस्कस करूंगा। बाय बाय। नहीं नहीं, आओ ना, आओ बात करते हैं, आओ आओ यहाँ पर खड़ी रहो, मैं तुम्हें पैसे भी दे दूंगी। बड़ा आया। मिस्टर जॉन, हम एक बड़ी क्राइसिस सिचुएशन में आ गए हैं। एक्चुअली शॉप ओनर्स हमसे पैसे मांग रहे हैं। अच्छा, तो देते हैं, हम उनकी जगह यूज कर रहे हैं तो पैसे देने में क्या प्रॉब्लम है? हम उसकी जगह यूज कर रहे हैं तो पैसे देने बनते हैं, दे दो उसे। ओके, बट हम मैनेज कैसे करेंगे? मैं कोई बैंक हूँ क्या? हर किसी को पैसे बांटती रहूंगी। हाँ, मैं बहुत बोर हो रही हूँ और एक्ट्रेस को आने के लिए भी काफी वक्त है। और ये तुम्हारा मोहल्ला है, कोई जगह बताओ ना जहाँ मैं जाकर थोड़ा सा घूम फिर सकूँ। यहाँ हमारा मोहल्ला एकदम सिंपल है, यहाँ कोई जगह नहीं है। आई सी, तो मोहल्ला इतना ही है। एक्चुअली मुझे यहाँ के लोगों को जानना है, उनसे बातें करनी है और उनके कल्चर को समझना। मतलब आपको गॉसिप चाहिए? ठीक है, आइए आपको ले चलती हूँ मिस मिलाहत के घर। उनके पास इस मोहल्ले की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उन्हें इस मोहल्ले के बारे में सब कुछ पता है। मिसेस मिलाहत, मिसेस मिलाहत जरा सुनिए। मिस आइलिन, ये है मिस मिलाहत। नाइस टू मीट यू। मैं चलती हूँ, आप इनका ख्याल रखिए। ठीक है, कोई बात नहीं, इन्हें सब कुछ बताना। ठीक है, आई ट्रस्ट यू। जी हाँ, बोलिए ना। मैं यहाँ कहीं मैंने क्यों करवा सकती हूँ? एक्चुअली मेरे हाथ थोड़े से मैले हो गए हैं। अच्छा, ठीक है, हाथ दिखाओ अपना वहाँ। ओह क्या बात है, बहुत अच्छे हाथ हैं। अंदर आओ, अंदर आओ, चलो चलो अंदर चलते हैं, हम बात करेंगे। अंदर चलिए। हाँ बिल्कुल, उंगलियों में से रिंग्स उतार दीजिए बहुत अच्छे से। हाँ बैठिए ना, बैठिए यहाँ पे, बैठ जाइए, बैठ जाइए और कंफर्टेबल फील करिए, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा ये बताइए कि आप चाय पियेंगे या कॉफी पियेंगे? मैं अभी अभी बनवा देती हूँ। नहीं नहीं, थैंक यू, शूट पर एक्चुअली काफी चाय कॉफी पी ली है, आप बस मेरा मैनिक्योर कर दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बुरे दिख रहे हैं। हाँ आप सही कह रही हैं, आप हमेशा बिजी रहती हैं, हर वक्त काम, लेकिन मैं आपकी खातिरदारी करूंगी, आप आराम से बैठ जाइए, चिंता मत करिए, ये मुझे दीजिए। हाँ मैंने सुना है आज हमारे सेट पर आप हेयर ड्रेसर होंगे। हाँ उम्मीद तो है उनको पसंद आए, हमारी शॉप थोड़ी छोटी है लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, यहाँ तक कि यहाँ के सारे नेबर्स हमारे यहाँ ही आते हैं और कहीं नहीं जाते हैं, सच में उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ओह दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। आप कितनी प्यारी हैं, बात भी अच्छी करती हैं, मैं आपके हाथों को बच्चों की तरह मुलायम बना दूंगी, आप देखती रह जाएंगी। देखिए अपने हाथ दीजिए, सब कुछ अच्छा होगा, दीजिए हाथ। लेकिन मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, थोड़ी देर ब्रेक लेकर आई हूँ मैं। और सनीम आपकी बहुत तारीफ करती है। सनीम बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी लड़की है, मुझे बहुत प्यारी लगती है, वो बहुत अच्छी है। और उस्मान कैसा है? बहुत हैंडसम है ना? हाँ हाँ बात तो सही है, मैंने सुना कि वो दोनों सेपरेट हो चुके हैं। क्या ये भी आपने सुन रखा है? नहीं नहीं, वो सारी अफवाहें हैं, वो दोनों बचपन के दोस्त हैं। बहुत दिनों बाद जाकर हमें भी पता चला कि वो सिर्फ दोस्त ही हैं, वो एंगेज नहीं हैं। लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि सनेम की उंगलियों में वो रिंग कैसे आई, बड़ी सी है, इस जैसी कोई कहाँ से मिलेगी इसे रिंग। लेकिन आप देखना, मैं इस बात के बारे में पता लगा ही लूंगी। अब ये कैसे, क्या सब जानते हैं कि ये एंगेजमेंट वाली बात झूठ है? सब मेरी वजह से है, मुझे गॉसिपिंग करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो सनेम थी, थोड़ी सी मनचली है, उसकी सिस्टर बहुत शांत है, वो दोनों सिस्टर बहुत अच्छी हैं। मनचली मतलब? हाँ रियली बहुत मनचली है, उसके डैड बहुत ही अच्छे हैं, आपको यकीन नहीं होगा पर सच कहूँ मैं उनको सालों से जानती हूँ। हाँ यही रास्ता है। हाँ
आखिरकार तुमने मुझे ढूंढ लिया। अरे यहाँ पर नहीं। अच्छा उस तरफ चलते हैं, वहाँ कोई नहीं। बहुत मुश्किल हुई नेविगेशन के जरिए आपको ढूंढने में। मैंने तुम्हें दूर से ही देख लिया था, तुम्हारे मॉम डैड पूरा क्रू वहाँ था, इसलिए मैंने यहाँ बुलाया। मैं तुम्हें मिस कर रहा था। मेरे लिए कितना मुश्किल था। तुम्हारी खूबसूरती बहुत महकती है, क्या मुझे ये खूबसूरती के परफ्यूम्स दोगी? मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उनकी खुशबू लेता रहूंगा जब मैं तुम्हें मिस करूंगा। आप भी काफी महक रहे हैं। मैंने कोशिश की है आपके लिए परफ्यूम बनाने की, क्योंकि कोई और आपसा महकता नहीं है। वो जो सी से शुरू होता है। एग्जैक्टली। तुम बहुत टैलेंटेड हो, अगर तुम मुझे डीपली स्मेल करोगी तो इस तरह का परफ्यूम भी बना सकती हो। आई एम श्योर अबाउट इट। मैं पिघल जाऊंगी अब। बाहर चलें? जाना है? चलते हैं, मगर साथ साथ नहीं। पहले मैं जाऊंगी, बाद में आप आ जाना। हाँ, मैं तुम्हारे बाद बाहर आऊं। लेकिन एक बात बता दूं, मुझे ये छुपकर मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ जानती हूँ, लेकिन अभी के लिए प्लीज। अभी के लिए? ये बात इंटरेस्टिंग लगी। मैं तो ऐसे ही बगैर सोचे कुछ भी बोल देती हूँ। मैं पहले जाती हूँ, आप बाद में आ जाना। थैंक यू सो मच, आते रहिएगा। टेक केयर। निहार, तुम स्टोर जाओ और मैं बाकी का प्लान संभालती हूँ। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैं शॉप में जाता हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है निहार, वैसा ही करो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बोलना, मैं यही हूँ। सैनम बेटा जरा यहाँ तो आओ। आओ नहीं मॉम। आ जाओ, बैठो। मुझे तुम पर बहुत नाज है बेटा। थैंक यू मॉम। ये लो अपने पॉकेट में रख लो। मॉम ले लो, ना मत कहना और आगे से मुझसे कुछ भी मत छिपाना। ले लो, जल्दी से रख लो इसे। ठीक है। ओके मॉम। आप मुझे बताइए ना, इसमें से कौन सा अच्छा लग रहा है, ये अच्छा है या ये? ये देखकर बताइए। ठीक है चलेगा। इसमें बस कोई अच्छा सा नेकलेस ढूंढना, ओवर द टॉप नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, हम यही यूज करते हैं। ओके कम ऑन, सब ठीक होगा। सैनम इस काम में बहुत ज्यादा ड्रामा नहीं है? हाँ हाँ मॉम। मिस्टर जॉन कैसे संभालते हैं ये सब? मिस्टर जॉन को ड्रामा पसंद ही नहीं है, वो बहुत सिंपल और स्वीट है। सिंपल और स्वीट है? हाँ। अच्छा ये बताओ उनकी उस गर्लफ्रेंड का क्या हुआ? वो मॉम क्या है ना, उनका ब्रेकअप हो गया। उन्हें सिंपल और स्वीट लड़कियाँ पसंद है इसीलिए। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे तो वो पूरी तरह से बिगड़े हुए लगते हैं, जो लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हैं, उन्हें पटाते हैं, घुमाते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। नहीं मिस्टर जॉन ऐसे बिल्कुल नहीं है। अगर मिस्टर एमरे के बारे में आप ऐसा बोलती ना तो मैं मान भी लेती, पर मिस्टर जॉन वो तो एकदम अलग है, वो किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर तक नहीं देखते मॉम। अगर ये बात है तो जरा पीछे मुड़कर देखो वो लड़कियों को कैसे देख रहे हैं। देखो देखो पता चल जाएगा तुम्हें, देखो। ये क्या हो रहा है? अब आएगा मजा। क्या हुआ बताओ? आपसे मिलके अच्छा लगा।
मिस्टर एंड मिस्टर जान यहाँ आएंगे जरा। क्या हुआ? ये कौन है? ये नहीं चलेंगी। क्या बोल रही हो सनम? शूट शुरू करना है। आपने कहा था मैंने जैसे इमेजिन किया है वैसा वीडियो बनेगा। ये रोल के लिए फिट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लंबी है। माना कि ये मॉडल्स है, खूबसूरत है, पर मोहल्ले में तीनों लड़कियां ऐसे लंबी थोड़ी होती है। रिलेटेबल नहीं सनम। बिल्कुल नहीं। मैं हूँ बस। हाँ मैं हूँ बस। मैं हूँ जे जे। बोलो मेरा नाम। बोलो। हाँ हाँ बोलो बोलो ब्यूटीफुल बोलो। जे जे तुमने भी बोला। बहुत बढ़िया ऊंची हो तुम। देखो इसकी हाइट देखो। अगर सही हाइट और टाइप की लड़की नहीं मिली तो वीडियो रिलेटेबल नहीं बनेगी। देखो इसकी हाइट देखो और अब उनकी हाइट देखो। आपको दिख रहा है हमारा स्टैंडर्ड? सनम बोलिए। मिस्टर जान बोलिए। इन लड़कियों को तुमने चूज किया? आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना? सनम कास्ट तुमने चुनी है। अरे कैसे, फोटो में तो कितनी इनोसेंट लग रही थी। ये सब ये तो किसी को भी धोखा हो सकता है। मुझे कैसे पता होगा वो असलियत में ऐसे दिखती है? मुझे कैसे पता? फोटोज के नीचे जो इन्फॉर्मेशन लिखी थी वो पढ़ी तुमने? हमने वहाँ सब कुछ मेंशन किया था, इनकी हाइट वेट सब कुछ। और अब आज शूट के दिन तुम ऐसे बिल्कुल नहीं बोल सकती, समझ रही हो तुम? हम इस मौके पर उन्हें वापस नहीं भेज सकते हैं। आपका फ्रेंड अब यू नो जो कैसा लगा? शूट की बात करें यार, हम तुम यहाँ मेरे शूट की जगह कैसे आ सकते हो? हमें इम्पोर्टेंट बात करनी है। जाओ। सनम ने मुझे यहाँ बुलाया है। तो तुम उसके पास जाओ ना। यहाँ क्या कर रही हो? मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। ऐसा मत सोचिए कि मैं बहुत जेलस हो रही हूँ इनसे। ओके वैसे भी ये लड़कियाँ कार में तो फिट नहीं होने वाली। तुमने सच में मेरा मूड स्पॉइल कर दिया। जी जी आई एम सॉरी, मैंने इनसे बात करने में अपना काम भूल गया। एक्चुअली बताइए। जाओ उनको हेयर और मेकअप के लिए ले जाओ। अयहान मेरे साथ चलो, जल्दी करो। क्या हुआ? इस मोहल्ले की चार लड़कियाँ ढूंढ लाओगी? ऑफ कोर्स, लड़कियाँ ढूंढना कौन सी मुश्किल बात है? मैं प्लान बनाती हूँ, चलो। मिला हारती, ये लड़कियाँ मेरा काम तमाम करने से पहले, मैं चाहती हूँ कि आप इनका काम तमाम कर दें। इनके बाल बिखेर दो, एकदम बदसूरत दिखनी चाहिए ये सब की सब। हाँ डोंट वरी, उसमें तो मैं माहिर हूँ। ये तुम्हारी स्टोरी है तो सब तुम्हारे हिसाब से होगा, तुम देख लेना। 80s की लेडीज है ये सब। ब्लू आईज और ग्रीन लिपस्टिक के साथ एकदम जोकर लगनी चाहिए सबके साथ। डोंट वरी, मैं संभाल लूंगी। तुम कितनी प्यारी लग रही हो सच में, बहुत सुंदर। रुको जरा हाइलाइटर लगा देती हूँ। सब कुछ अंडर कंट्रोल है। इसे लगाकर तो तुम और भी सुंदर लगोगी। मेहमत मुझे यहाँ का विजुअल बहुत पसंद आया है, इसे यहीं कहीं रख दो। ओके। अरे ये क्या, किसकी कार है ये? हे ऊपर वाले, अभी शूटिंग कैसे करेंगे? अगर आप बाया नहीं है तो प्लीज गाड़ी को हाथ ना लगाएं, उस पर कोई भी स्क्रैच नहीं आने चाहिए। फिर से तुम? मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ तुम मेरे पीछे पीछे आते हो। क्योंकि ये मेरा मोहल्ला है, हमारे यहाँ शूटिंग है। तुम इस गाड़ी के ओनर को जानते हो क्या? नहीं जानता तो नहीं, लेकिन हो सकता है या तो ये कार मेरी है या तो किसी और की है, समझ रही है ना? देखो नाटक मत करो, इस कार को यहाँ से ले जाओ अभी के अभी। निकलो यहाँ से, चलो जाओ। लेकिन आप मुझे ऑर्डर देने वाली होती कौन है? बताइए तो आप कौन है? कोई महारानी है क्या दीदी? मैंने कहा ना मुझे दीदी मत कहो, वरना तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारे दिमाग में कुछ घुसा की नहीं। एक बात कान खोल कर सुन लो, हम यहाँ शूटिंग करने वाले हैं, हमें सेट लगाना है, इसलिए प्लीज अपनी इस महंगी सी गाड़ी में बैठो और यहाँ से जलते बनो, समझ रहे हो? निकलो यहाँ से अभी के अभी। यहाँ पर शूटिंग का सेट लगने वाला है, सबको काफी काम है। अरे तो उससे मुझे क्या, मेरी कार में पेट्रोल नहीं है, मैं क्या करूं अब आप ही बताइए। इसीलिए कार को टो करना पड़ेगा, जिसके लिए लोग लगेंगे। आप पैसे देने के लिए तैयार हैं तो बताइए, अभी आदमी बुलवाता हूं और गाड़ी निकलवाता हूं। इसीलिए पैसे दे दीजिए, सबका काम आसान हो जाएगा, मैं भी चला जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। हाँ तुम इतने हट्टे कट्टे हो फिर भी पैसों के लिए नाटक करते हो, तरस आता है तुम जैसे लोगों पर मुझे। ये लो। ये क्या बस इतने से ही? अरे इसमें मेरे गाड़ी के टायर्स भी ना धुले, ये जरूर एडवांस पेमेंट होगी। सुनिए मैडम मुझे 10,000 दे दीजिए, अभी के अभी गाड़ी निकलवाता हूँ यहाँ से। 10,000? तुमने अब तक अपनी पूरी जिंदगी में कभी 10,000 देखे हैं? 10,000? अब देखो मैं क्या करती हूँ, पुलिस को कॉल करूंगी मैं। अच्छे भले लोगों का फायदा उठाते हो तुम जैसे लोग, तुम्हें शर्म नहीं आती एक लड़की को परेशान करते हुए? बार बार मेरे पीछे पीछे आकर घूमते हो। बकवास बंद कीजिए मैडम, जल्द से जल्द पैसे दे दीजिए वरना आपकी खैर नहीं।
यहाँ से दफा हो जाओ वरना पूरी जिंदगी पछताओगे। जाओ। उस्मान तुम गलत समझ रहे हो। जाओ, बकवास करना बंद करो। वो बहुत ही बदतमीज आदमी, उसकी तरफ से मैं सॉरी कहता हूँ। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, थैंक यू वेरी मच। आई एम नॉट श्योर मैं ये कर पाऊंगी। सुनो, जस्ट फोकस ऑन इट। अगर डिटेल्स पे ध्यान नहीं दोगी तो गड़बड़ करोगी। सनम और मिस टेरेन, आपको सूटकेसेस चलेंगी? हाँ हाँ जेजे, मुझे पसंद आई। ओके जेजे, तुमने सूटकेस क्यों गिरा दिए? ये रेंटेड है। हैवी थी, सारी उठा नहीं पा रहा था। रुकिए, ये वाले अच्छे हैं, मैं रेट्रो वाले ढूंढती हूँ। चलो तुम मेरे साथ आओ। मिस्टर जॉन आ रहे हैं, चलिए। अच्छा सुनो ना, लंच ब्रेक में हम सी साइड चले क्या? हाँ ठीक है। तुमने उन्हें देखा नहीं आज? हाँ देख रहा हूँ, मेरे लिए फिक्र मत करो, मेरी बारी है, समझे? रुक जाओ। सनम, यस मॉम डैड, एक मिनट के लिए यहाँ आओगे बेटा? मुझे गुस्सा आ रहा है सनम, मिस्टर शॉन जो मोहल्ले में कर रहे हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अगर उन्हें लड़कियाँ देखनी है तो कहीं और जाकर देखें। डैड डैड, आपको गलत फहमी हुई होगी, वो लड़कियाँ यहाँ काम करने के लिए आई है। पता नहीं, मैंने तो मिस्टर जॉन और उन लड़कियों को ऐसे चिपक कर खड़े होते हुए देखा तो। मिस्टर जॉन? हाँ वही तो बता रहा था, वही थे। डैड आपको जरूर गलत फहमी हुई है। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, मैंने देखा उन्हें, मेरे मन से उनके लिए सारी इज्जत निकल गई है। ये एक अच्छा माहौल है, यहाँ ऐसे सब नहीं चलता। उनसे दूरी बनाकर रखो। डैड वो मेरे बॉस है, मैं जानती हूँ मेरे लिमिट्स। हाँ वो तुम्हारे बॉस है, एक एम्प्लॉय और बॉस में दूरी होनी चाहिए। सुन रही हूँ ना सर, ये ध्यान कहाँ है तुम्हारा? ये मोहल्ला अच्छे लोगों का है, यहाँ ऐसा सब नहीं चलेगा। तुम भी जरा संभल कर रहना, दूरी बनाए रखना। पता है डैड, मैं तो उनकी शक्ल भी नहीं देखती। काश वो लड़कियाँ यहाँ होती ही नहीं। डोंट वरी डैड, वो चली जाएंगी, डोंट वरी। नहीं, मत जाओ, रुक जाओ। मेरा हाथ दीदी, ये क्या कर दिया आपने? अरे सनीम तुम जानती नहीं, वो 80s का फैशन है, मैंने वैसे ही बाल बनाए थे। ओह गॉड, ओह गॉड, अब हम क्या करेंगे? मुझे नहीं पता, तुम देख लो। दिमाग तो ठीक है? मुझे नहीं पता अब हम शूट कैसे करेंगे। सनम कहीं ये सब तुम्हारा प्लान तो नहीं? मिस्टर जॉन, मेरा प्लान मतलब, अब इसमें मेरी क्या गलती है? ओह गॉड, अब हम क्या करेंगे? शूटिंग इज कैंसिल्ड, तुम क्विट क्यों नहीं करती? हम कैसे एक अच्छी टीवी सी शूट करेंगे बताओ मुझे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। डैरेन जस्ट काम डाउन, सनम तुम्हारे पास कोई ना कोई सलूशन तो होगा ही, प्लीज बताओ। मैं मोहल्ले की कुछ लड़कियों को कन्विंस तो कर सकती हूँ, पर बाल और मेकअप बिल्कुल वैसे ही चाहिए 80s जैसे, ओवर एग्जैजरेटेड, समझ रही हो तुम? थोड़ा ओवर द टॉप। डोंट वरी, मैं संभाल लूंगी। ओके ठीक है, मोहल्ले की जिस लड़की को लाना है लेकर आओ, बस उन्हें चूज करना जो काम को लेकर सीरियस हो। अगर किसी ने तुमसे पंगा किया तो कहना कि मिस डेरेन से बात करें। मैं चूज करूँ लड़कियाँ? हाँ। मिसेस मिफकीबे, मिस्टर निहात, आई होप आप ठीक है। जी हाँ, आपको कुछ चाहिए था क्या? नहीं थैंक यू, श्योर सनम पर प्राउड फील करते हैं आप। हाँ है, वो हमारी बेटी है मिस्टर जॉन, और हम उस पर बहुत प्राउड फील करते हैं। सही कहा, सनम बहुत टैलेंटेड और स्मार्ट है। अच्छा वैसे क्या मैं अंदर से ऑरेंज जूस ले सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं। ये भी उससे प्यार करते हैं क्या? मैं कैसे बता सकता हूँ, ये नौजवान पीढ़ी है, मुझे नहीं मालूम कैसे बात करते। क्या बात है सनम से? यही कि
मोहल्ले में उसी की बातें हो रही हैं तो उसे कैसा लग रहा होगा, बस इसी बारे में हम बातें कर रहे थे। क्या बात, नंबर वन मॉडल दिख रही हो तुम सब। कैमरा एक्शन, बी क्विक, लाइट्स कैमरा, बी क्विक, कम ऑन गाइस, एक्ट्रेसेस को सूटकेसेस दे दो। थ्री टू वन एक्शन। आपकी बेटी बहुत सुंदर दिख रही है। गलत आदमी। हमने जो हेयर स्टाइल बनाई थी, मैं थोड़ा और लूंगी। तो कमाल कर दिया, पहली बार देखा है। मैं फिर से पेस्ट्रीज खाने आई हूँ, मुझे यहाँ की पेस्ट्रीज बहुत पसंद है, काफी टेस्टी होती है। बहुत मजा आया। मिस्टर चौन कहाँ है? मुझे कैसे पता मिस्टर चौन कहाँ है? मैं उनका बॉस नहीं, वो मेरे बॉस है। मुझे ऐसे मत देखो, मेरे अंदर कुछ कुछ होता है। मिस्टर चौन कहाँ है बताओ? वो शायद साइड में गए हैं सनम के साथ। चलते हैं, बैठ जाओ, शांत हो जाओ, बैठ जाओ सी साइड। सनम शांत हो जाओ, एकदम शांत सनम। आराम से। हाँ, आई मैं। संभल कर आओ प्लीज। ये सब लोग मुझे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं? मेरे ख्याल से ये शायद तुम्हारे मेकअप और कॉस्ट्यूम। हाँ, शायद। तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, पता है तुम्हें? अच्छा है ना? हाँ सच में, चलो डांस करते हैं। ओह माय गॉड, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सच कहूँ तुम बहुत ही ज्यादा स्वीट है सनम। थैंक यू। पर तुम्हारे पेरेंट्स ना मेरे साथ थोड़ा स्ट्रेंज बिहेव करते हैं, आई थिंक तुम्हें उन्हें बता देना चाहिए। अभी नहीं, अभी उन्हें कोई गलत फहमी हुई है, पहले मैं वो सॉल्व कर दूंगी, फिर बात करेंगे। okay. ये बताओ शूटिंग में मजा आया? हाँ बहुत ज्यादा। आज मैं जो कुछ भी कर पाई वो आपकी वजह से पॉसिबल हुआ। देखो वहाँ पर है, वहाँ। क्या हुआ? मिस्टर जान, क्या आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप उन लड़कियों को मोहल्ले में क्यों लाए? वो स्कीनी लड़कियाँ, दिस इज अनबिलीवेबल। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं। ये आपको कैसे कर सकते हैं? आपको समझना चाहिए। सनम क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? डैड, क्या हो रहा है? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अजीब सी चीजें हो रही है। क्या हुआ? पता नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड क्या? हाँ जैसे कि पापा, आपको कैसे बताऊँ, बहुत ही गड़बड़ हुई है। मिसेस मैकबे, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही है, जान सकता हूँ मैं?
यहाँ यहाँ कुछ लगा हुआ है, यहाँ पर, यहाँ। मिस्टर जॉन, आई कांट बिलीव इट, आपने एक मॉडल को किस किया? सैनम, उससे तुम्हें क्या, मिस्टर जॉन को जो करना है वो करेंगे, तुम बेकार में क्यों चिल्ला रही हो? एक मॉडल मिस्टर जॉन को मेरे मोहल्ले में किस करती है तो मेरी इज्जत तो पानी में चली जाएगी ना। यार सैनम, तुम क्या बकवास कर रही हो, ये सब बताना जरूरी है? चलो चलते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए खुद पर, क्योंकि आपने ऐसा मेरे मोहल्ले में आकर, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसा करते वक्त। हमारा मोहल्ला इज्जतदार लोगों का है। दोनों तो जानवरों की तरह लड़ रहे हैं, ये लवर्स नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं। हाँ सैनम, तो लगता है उन्हें मार ही डालेगी। चलो जान पे जाना ही। सैनम बेटा आ जाओ। हाँ मैं आ रही हूँ। सैनम तुम जरा शांत रहोगी, क्या बोल रही हो, मुझे शर्म आ रही है, वो क्या सोचेंगी मेरे बारे में? इम्प्रोवाइजेशन कर रही हूँ। आपको मेरे साथ झगड़ा करते हुए देख वो लोग ऐसा सोचेंगे कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते। सैनम आओ बेटा। ओह गॉड, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा, ये कैसा बर्ताव है? शर्म हया नाम की चीज है या नहीं? ये मेरा मोहल्ला है, कहीं और जाकर कारनामे करते ये सारे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। चाहिए यहाँ से मिस्टर जॉन। ओके गाइस, आप सब ने आज बहुत अच्छा काम किया, प्लीज जाते वक्त मोहल्ले को साफ सुथरा करके निकले। ओके बैकअप जे जे, ये तुम्हारा काम है। ठीक है मिस्टर जॉन, ब्रावो। जी जी, हम बात नहीं कर पाए। कोई बात नहीं है, मुझे काम है थोड़ा सा। तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो? नहीं थोड़ा नहीं, ज्यादा ही। आई एम सॉरी जे जे, तुम्हें इतना सफर होता है, आई होप तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। एनीवे अब मुझे चलना चाहिए, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। चलो बाय। ये मेरे प्यार में पागल हो गई है। ये क्या कर रहे हो? हमारे हाथ गंदे हैं, ये गंदा हो।